नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके इस बेहद खास कार्यक्रम दैनिक राशिफल भाग्याक्षर और सक्सेस की। आचार्य संतोष संतोषी के साथ आप अगले 5 मिनट तक बहुत कुछ पाते रहेंगे। आइए सबसे पहले पाने के इस सिलसिले को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बताते हैं कि मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मेष वालों के लिए आज अधीनस्थ अधिकारी के साथ वैचारिक पदभेद की संभावना बनी हुई है। यात्रा में दुर्घटना की संभावना है, यात्रा अवॉइड करें तो बेहतर है। मित्रों के साथ दिन बेहतर बीतेगा। वृषभ राशि, वृषभ वालों के लिए आज मकान संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलने का दिन आ गया है। अगर आप वाहन खरीदने के लिए इच्छुक थे तो आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा। अगर आप कहीं पर बहुत कुछ प्रतीक्षित कार्य के लिए निष्पादन के निमित्त विचार किए थे तो आज अवॉइड करिएगा, दिन अच्छा नहीं है। बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन वालों के लिए दिन अच्छा है, मिला जुला करके समय बेहतर बीतेगा। अधीनस्थ अधिकारी का सहयोग मिलेगा, बहुप्रतीक्षित प्रशासनिक कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगी। कर्क राशि, कर्क के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। चला रहा समय एकदम से अपोजिट जाता हुआ दिखेगा, शनि अच्छी स्थिति में नहीं, तो पंचम भाव को मजबूत करने के लिए आज गाय की सेवा करिएगा, दिन अच्छा रहेगा। सिंह राशि, सिंह वालों के लिए आज मित्रों के साथ दिन अच्छा भी देगा। अगर आप विद्यार्थी हैं और शिक्षा के लिए कुछ अच्छा सोचा था आपने आज के दिन, तो वह आपका मनोकामना पूर्ण होता हुआ दिख रहा है। अगर आपने किसी अधिकारी के साथ कुछ वादा किया था वह पूरा नहीं हो पाएगा। कन्या राशि, कन्या वालों के लिए दिन बेहतर है, बृहस्पति का यहां पर आपको विशेष कृपा मिल रहा है। बृहस्पति देव आपके निमित्त बहुत कुछ विचार किए थे, विचार आप भी करिएगा, दिन अच्छा भी देगा। तुला राशि, तुला वालों के निमित्त शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है फिलहाल, तो देव गुरु बृहस्पति तुला में संचरण करने वाले हैं लेकिन अभी 12वें में है, खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने विचार किया था कि किसी को मदद देने के लिए, तो वह भी आपके लिए आज दिन अच्छा है, मदद आप दे सकते हैं। वृश्चिक राशि, शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, खास तौर पर किसी जरूरतमंद को आप अन्नदान करते हैं तो आज का दिन आपका अच्छा बीत सकता है, अन्यथा समस्याएं आ सकती है। धनुराशि, विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। इसके अलावा अगर आप कुछ विचार किए थे किसी से पैसे का लेन देन करने का, दिन बेहतर भी देगा। साथ ही साथ कोशिश करिएगा कि मित्रों से कुछ झूठा वादा ना करें। मकर राशि, मकर वालों के लिए दिन अच्छा है, रुका हुआ पैसा आपका वापस आएगा, विदेश यात्रा की मनोकामना आपकी पूर्ण होगी, साथ ही साथ स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। कुंभ राशि, कुंभ वालों के लिए भी आज का दिन धन को संभाल कर रखने का है। रिश्तेदारी में कुछ मनमुटाव की स्थिति बनी थी तो वो स्थिति अच्छी हो जाएगी, साथ ही साथ परिवार में आपसी सामंजस्य बना रहेगा। मीन राशि, अंतिम राशि, मीन वालों के लिए दिन बेहद अच्छा है, खास तौर पर अगर आप प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होने के लिए विचार किए थे तो आज आप उत्तीर्ण हो रहे हैं, मिठाई बांटने की तैयारी कर लीजिए। आइए बात कर लेते हैं आज के लकी अक्षर अर्थात भाग्य अक्षर की। मेष राशि वालों के लिए छा अक्षर है, छत्री वाला छा, वृषभ राशि वालों के लिए वा अक्षर, मिथुन वालों के लिए का अक्षर, कर्क वालों के लिए मा अक्षर, सिंह वालों के लिए दा अक्षर, कन्या राशि वालों आपके लिए रा अक्षर, तुला राशि वालों के लिए भा अक्षर, वृश्चिक वालों के लिए दा अक्षर और धनु राशि वालों के लिए वा अक्षर, मकर वालों के लिए फा अक्षर, कुंभ राशि वालों के लिए संतोष वाला छा अक्षर और मीन राशि वालों के लिए खास अक्षर ज्ञानी वाला ज्ञान। एक ऐसी सक्सेस की जिसके द्वारा आप पूरे दिन को बेहतर कर सकते हैं, छोटा सा उपाय, करना क्या होगा, जो भी कंघी से आप बाल संवारते हैं, सरसों का तेल एक बूंद उस पर छिड़क दीजिए और 3 बार अपने बालों पर उस कंघी से संवारिएगा, फेर लीजिए, दिन आपका अच्छा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि जिससे आपको सुबह प्रातः काल चैनल पर जब भी हम
वीडियो डालें तो आप तक पहुंच जाए नोटिफिकेशन। फिलहाल हमें अनुमति दीजिएगा। नमस्कार।